सवाल बने हैं। ये क्या है भगवान है कि नहीं भैया? हम भगवान के लिए बहुत लड़ाई कर रहे हैं, है कि नहीं? तो मेरा आपके मेरे मन में जो आया, अगर मैं गलत बोलूंगा उसके लिए क्षमा चाहूंगा आप सभी से। इसका हम बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं जाऊंगा इसको सर में बांध रहे हो, सब चीज कर रहे हो, लेकिन मुंह पोंछ रहे हो और कुछ कर रहे हो, बहुत सारे चीज है तो ये बहुत कुछ हम इसको गले में लटका देते हैं, कभी मुंह भी बांध देते हैं, कोई कमर भी बांध देता है, कोई और कुछ करता है, कोई मुंह मुंह वाले पसीना आ जाता है तो पसीना भी बांध देता है। हम इसका स्वाभिमान है, हमारा भगवान है कि नहीं? और आप बहुत एक विरोध कर रहा था पठान पिक्चर का, है कि नहीं? भगवान को लेकर की चल रहा था कलर को लेकर, है कि नहीं? बाकी मार्गदर्शन हमारे गुरु जी के आदरणीय आप तो सब कह दिए हो, हमारे लिए छोड़े हो हमारी संस्कृति इतनी व्यापक है जिसके बारे में व्याख्या की जाए हजारों सालों की। और ये बात हमारे बहुत ही प्रिय है, तो वो राजपीत से, राजपीत का मतलब राजनीति, और हमारे तो वो भाई और डिवोटी शिष्य के रूप में उन्होंने चार चीजें बताई थी। कुत्ता को जानते शहद, जानते शहद, शहद अमृत कही गए, लेकिन अगर कुत्ता चाट ले तो वो मर जाता है। निगोरी जानते नीम की, नीम की निगोरी और नीम के पेड़ पर कौवा रहता है, कौवा, लेकिन अगर नीम की निगोरी खा ले तो वो कौवा मर जाता है। मिश्री, मिश्री जानते हो ना, जो मिर्ची होती है जिसे कई जगहों पर खांड कहते हैं, खांड है? मिश्री, मिश्री को या घी को, घी हमारे यहाँ औषधियों में अमृत कहा गया, उसको अगर गधा चाट ले तो मर जाता है, पचता नहीं। उसी प्रकार हमारे सनातन धर्म की औषधि शहद, हमारे सनातन धर्म का रंग, हमारे सनातन धर्म का भरोना भी कौवा और गधा को पचा गया है। अब हमारी जिम्मेदारी है इसके सम्मान को बरकरार रखने की। अब